हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेज। या हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लास वेगास से एंटलो कैनियन की तरफ। बस में है, ये इन लोगों का एक टूर है, गाइडेड बस है। और एंटलो कैनियन आने जाने में और अराउंड 5 घंटे का ड्राइव है। इट्स इन अ डिफरेंट स्टेट एरिजोना। हम लोग फिलहाल वेगास नेवाडा में, तो वहाँ जाएंगे और फिर सब देख के वापस आने में टोटल अराउंड 13-14 घंटा लगता है। तो पूरा दिन का प्लान है। एज यू कैन सी, ध्रुव और अंजलि सो रहे हैं और हम लोग भी सोने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें लगा कि सबको अपडेट कर दें। यस, वी शुड स्टार्ट द व्लॉग। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे लाइक चारों तरफ। इसमें भी आपका वेगास में लास्ट वीक स्नो हुआ था, तो स्नो कैप माउंटेंस आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और ये जो एरिया है US में लाइक काफ़ी फेमस है ऐसे टाइप के ड्राइव्स, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा लाइक यू नो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है, चारों तरफ कुछ नहीं है। तो ये पर्टिकुलर टूर में अगले 2 घंटे बाद हमें ब्रेक मिलेगा कोलोराडो सिटी में, एंड दैट्स वेयर वी विल शूट द नेक्स्ट पार्ट। नहीं, ये राजस्थान नहीं है, ये एरिजोना है और हम नेवाहो काउंटी के अंदर हैं। लेकिन आप ठीक ही कह रहे हो, ये बस बस नहीं है, एक टेम्पो ट्रैवलर टाइप का कुछ है। टेम्पो ट्रैवलर में ऑटो ट्रैवल तो हमारे हमारे देश की याद आवे देश की याद आ रही है और ये घने मज़ा आया उसे तो घने मज़ा आया उसे तुम कुछ भोजपुरी में बोल जी कैसा मजा आ रहा है? एक भी मजा अच्छे चलो। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपर एंटीलोप, जिसे यो एक स्लॉट कैनियन है। यहाँ के लोग इसे द क्रैक कहते हैं, ऊपर वाले को द क्रैक कहते हैं, और एक लोअर एंटीलोप कैनियन है उसको कहते हैं द कॉर्कस्क्रू। तो यहाँ पे जो है ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर तरीके से ये जो आपके जो ये रॉक्स के जो सजावट है उसके थ्रू बहुत डिफरेंट एंगल्स से लाइट आती है। और देखिए कैसे गोल्डन ऑरेंज डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन का अलग ही इट क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील ऑल टुगेदर और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम लोगों ने भी इस ट्रिप के दौरान काफ़ी सारे फोटोज लेने की कोशिश की हैं और इस वीडियो में भी बाद में स्टिल्स दिखाएंगे, वो स्टिल्स ही में अच्छे लगेंगे और वो भी बाद में शेयर किया जाएगा। बट फिलहाल 660 फीट की दूरी है, वॉक करेंगे, अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा लगता है हमारा अपर एंटीलोप वाला टूर।
गाड़ी भी काफी बाउंसी है, तो फील आ रही है और भूख भी जोर की लग रही है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं हॉर्सशू बेंड, जो कि आपका कोलोराडो रिवर और ये कैनियंस में बनी हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, होप विल लव इट। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं हॉर्सशू बेंड। तो हॉर्सशू बेंड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मियंडर। ये आपका एक इंसाइशन मियंडर है, इंसाइशन मियंडर। ये आपका कोलोराडो रिवर है और उसके बीच में एक, तो देखना में कैसा लगेगा, एक बहुत सुंदर अंगूठी जैसा दिखने वाला है कि जिसके चारों तरफ आपके हैं पानी और बीच में ये बड़ा पहाड़ का एक टुकड़ा। तो थोड़ा हिल रहा है क्योंकि काफी रॉकी है, और इधर उधर करके हम पहुंच गए हैं 1.5 माइल हाइक करके फाइनली। एंड हियर लो बिहोल्ड, और ये रहा, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, और नीचे देखिए कैसे पानी का, और यहाँ पे शायद उतने अच्छे से दिख नहीं रही है, लेकिन एक ग्रीनिश कलर का टिंज है पानी का। और ये रॉक्स जो है ज्यादातर हेमाटाइट भी है इसमें, ज्यादा जाने के लिए, पास जाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि गिरने का एक शंका रहती है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो हम लोग थोड़ी देर में ही दूसरे एरिया से, एक दूसरे एंगल से इसको लेने का कोशिश करेंगे, और थोड़ी देर बाद स्टैटिक्स, जब आपके स्टैटिक पिक्चर जब लेंगे तब और बेटर आएगा। बट दिस इज एक्चुअली गॉर्जियस, ब्यूटिफुल जगह है। और क्योंकि ये चारों तरफ आपका जो ये वॉल्स रखे हैं, दैट मेक्स इट इवन बेटर फॉर व्यूइंग पर्पसेस। तो हमें ये जगह बहुत खूबसूरत लगी। आई होप यू गाइज ऑल्सो लव्ड इट। एंड इसके आगे हम देखेंगे कैसे लास वेगस की जो पुरानी शहर है वो कैसे काम करती है। लास वेगस के स्ट्रिप में तो हर कोई लेके जाता है, लेकिन हम इसके बाद लेके जाएंगे आपको लास वेगस फ्रेमोन स्ट्रीट में, जहाँ पे लाइव म्यूजिक होती है और काफ़ी कुछ हैपनिंग पे प्लेस है। तो वी विल सी यू ऑल ओवर देयर। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो ऑफ आस अबाउट वेगस एंड पेज एरिजोना, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, एंड डू लेट अस नो योर सजेशंस फॉर अदर वीडियो आइडियाज। That's the whole point of them anyway. Hey, do you remember this song?